हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर अंडर रूट साइन एक्स, और हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले हम बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर अंडर रूट साइन एक्स। अब देखें, अगर हमारे पास सिंपल जो है वो ये फंक्शन होता डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है, तो हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे e टू दी पावर x होता तो हम क्या करेंगे कि e की पावर जो है हमारे पास यहाँ पे इस फंक्शन को हम u सपोज कर लेंगे, तो लेट u इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x, तो आपका जो है वो डेरिवेटिव हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर u। अब देखें, अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास e की पावर x है, तो यहाँ पे हमारे पास डी एक्स है, यानी कि जो डिफरेंशियल है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट है वो एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास ई की पावर यू है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल में एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए, यानी कि डी यू होना चाहिए। तो हम जो है वो यहाँ पे डी यू लिख लेंगे और ये आ जाएगा ई की पावर यू, और इस डी यू को बैलेंस करने के लिए हम न्यूमिनेटर में भी डी यू लिखेंगे, और ये जो हमारे पास डी एक्स था ये यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये देखें आप, वापस एक्सप्रेशन बैलेंस होने के बाद जो है वो डी बाई डी एक्स बन जाएगी। और ये जो स्टेप किया हमने, इसको हम चेन रूल कहते हैं, तो हमने चेन रूल अप्लाई कर दिया। अब देखें, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ई टू दी पावर एक्स होता है, तो ई टू दी पावर यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर यू और डी बाई डी एक्स, और हमारे पास इस यू की जगह पर आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स। अब देखें, हमें पता है कि अगर हमारे पास जो है वो अंडर रूट एक्स होता सिर्फ, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव जो है वो वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स होता। तो यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट एक्स नहीं है बल्कि अंडर रूट साइन एक्स है, तो हमें इस साइन एक्स को भी सपोज करना पड़ेगा। तो हम सपोज कर लेंगे लेट वी इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हमारे पास अब डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो था हमारे पास वो हो जाएगा ई टू दी पावर यू और डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट वी। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास जैसे एक्स है तो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास v है तो यहाँ पे हमारे पास v होना चाहिए, तो हमें जो है वो इस dx की जगह dv लिखना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा e टू दी पावर u, हम चाहें तो u की वैल्यू पुट कर दें, u की वैल्यू जो थी वो हमारे पास क्या थी, अंडर रूट साइन x थी, और इस d बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, d बाई डी वी और अंडर रूट v, और क्योंकि चेन रूल हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास dv आएगा और यहाँ पर dx आ जाएगा, ताकि ये सिंप्लीफाई होने के बाद वापस डी बाई डी एक्स बन जाए। अब जो है हम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं अंडर रूट एक्स का, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव जो है वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स होता है, तो अंडर रूट वी का डेरिवेटिव जो है वो वन अपॉन टू अंडर रूट वी हो जाएगा, तो ई टू दी पावर अंडर रूट साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट वी, और इसके बाद जो है डी बाई डी एक्स, और इस v की जगह आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी साइन x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास e टू दी पावर अंडर रूट साइन x सबसे पहले लिख लिया हमने, इसके बाद वन अपॉन टू, और इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, v की जगह v की वैल्यू लिख देंगे साइन x, और यहाँ पे हम साइन x का डेरिवेटिव लेंगे, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x, तो ये हमारे पास जो है वो तकरीबन सारे डेरिवेटिव्स आ चुके। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा e टू दी पावर अंडर रूट साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स अपॉन टू अंडर रूट साइन एक्स। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ चुका है, हमारे पास जो क्वेश्चन था e टू दी पावर अंडर रूट साइन एक्स, इसका आंसर है e टू दी पावर अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन टू अंडर रूट साइन एक्स।